एक तरफ लॉकडाउन था तो दूसरी तरफ इस दौरान एक खेत में अवैध गुटखा फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो छापामार कार्रवाई करते हुए सारा सामान जब्त कर लिया गया। छतरपुर के महाराजपुर थाना पुलिस ने गुदाराहार में अवैध गुटखा फैक्ट्री पर छापा मार कर भारी मात्रा में गुटखा बनाने का सामान जब्त किया है। यह गुटखा फैक्ट्री लॉकडाउन में प्रतिबंधित गुटखा बनाने का काम कर रही थी। पुलिस को सूचना लगी थी कि गुदाराहार में दो भाई सुरेश चंद्र और चंद्रशेखर गुप्ता खेत में बने झोपड़ी में अवैध गुटखा बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा तो इस फैक्ट्री से गुटखा पैक करने की मशीन, भारी मात्रा में कच्चा माल और गुटखा के रैपर सहित तंबाकू जब्त की है। पुलिस का कहना है कि कलेक्टर के निर्देश पर लॉकडाउन में गुटखा पर प्रतिबंध होने के बाद भी ये गुटखा का निर्माण कर आसपास के गांवों और छतरपुर में सप्लाई की जा रही थी। इनके द्वारा जो है लोकल लेवल पर इनके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा था स्वयं से सुपारी और इनके द्वारा रॉ मटेरियल लेके उससे ही जो है गुंदाराहार में ये जो मक्खन किंग किंग नाम से इनके द्वारा एक ब्रांड बनाया गया था। उस संबंध में जांच चल रही है। प्रथम दृष्टया इनके द्वारा ये बताया गया कि संबंध में हमारे पास दस्तावेज उपलब्ध है, पर चूँकि यदि लाइसेंसी है तो भी इस समय यदि प्रतिबंधित किया गया है, हालांकि उनके द्वारा अभी तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा इस संबंध में हमारे द्वारा जो है वाणिज्यिक अधिकारी जो है छतरपुर उनको भी अवगत कराया गया है और इस संबंध में उनके द्वारा भी कार्रवाई अग्रिम की है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।